सुप्रभात। आप देखना कर शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 3 जून के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड में ग्राहक परेशान, भाला चलाकर कर दिया युवक को घायल। टीकाकरण के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। डीएम ने लिया पचदरवा पुल का जायजा। नहाने के दौरान तालाब में डूबा किशोर। नचाप गांव में रास्ते के लिए परेशान है लोग। फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव। यह थी आज की प्रमुख सुर्खियां। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और सबसे पहले बात दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आशा पटरी की। 3 दिन पहले यहां के ग्राहकों को पता चला बैंक मैनेजर लोगों के खाते से रुपए निकल फरार हो गया है। लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गरीब अमीर मध्यम वर्ग ये सभी लोग बैंक में पैसा जमा कर या समझते हैं हमारी राशि सुरक्षित है, लेकिन जब बैंक का कर्मचारी ही धोखा दे दे तो लोग क्या कहेंगे। इसको लेकर पिछले 3 दिनों से गहमा गहमी का दौर जारी है। आज गुरुवार को बैंक के रीजनल मैनेजर विकास वैभव जांच करने के लिए पहुंचे। मीडिया के लोगों ने उनसे बात की, आखिर ग्राहकों के पैसे का क्या होगा, करना है कि कितनी राशि का गबन शाखा प्रबंधक के द्वारा किया गया है। और हम यहाँ के जनता से ही कहना चाहेंगे कि ये जो एक बैंक है, ये सरकारी बैंक है, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन बैंक है, बैंक कहीं भी नहीं गया है। हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं, और जिनका भी शिकायत है उसका शिकायत हम लोग इन राइटिंग दे रहे हैं, उस पर छानबीन होगी। प्रधान कार्यालय से लोग आके उसका इंक्वायरी कर रहे हैं, और एक बार जब पूरी चीज़ें सामने आ जाएगी तो फिर जो भी जेन्युइन लोग हैं उनकी राशि दी जाएगी, और फिर जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। 3 माह से ये प्रक्रिया चल रहा था, 3 माह से नहीं सर, समथिंग नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी वैसा शिकायत किन्हीं ने भी क्षेत्रीय कार्यालय को या प्रधान कार्यालय को नहीं किया। और जैसे ही हम लोग के जानकारी में ये बात आई, हम लोग ने एक्शन लिया है, शाखा प्रबंधक को निलंबित किया है। सर, लगभग कितनी राशि का हेरफेर हुआ है अभी कहना मुश्किल है, अभी जांच दर्ज की गई है क्या? FIR दर्ज हो जाएगी जल्द। FIR दर्ज हो गई। बीते दिन बुधवार को ही सिमरी के दुधीपट्टी में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक द्वारा चलाए गए भाले से यदुनाथ यादव घायल हो गए। उन्हें सिमरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस भी घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया इसको लेकर पहले से पंचायत चल रही थी, लेकिन बुधवार को ऐसी रंजिश पैदा हो गई कि फिर संघर्ष हिंसक रूप में तब्दील हो गया। मुखिया जी के पंचायतियों भर रहे, मुखिया जी कहना बहुत अधिक काम करता फिर मर दे, छोड़ा हम के छोड़ावे गोने जे ऊपर ऊपर रात दो जाती है मारा तरफ भाई गोने छोड़ावे खाते बाबू को भले बाबू के रे लला भले बाबू को रहो बाबू को ना छोड़ावे के भाला मर लेबा लला मरबा जो ना एक मन ले तो अभियान चला अब भैया और लाठी लेकर हमारी को मारता रहा है बाबू। आपसी विवाद जो न कराए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लोगों को कोविड महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहा है। गांव-गांव में अधिकारी जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है आप वैक्सीन लीजिए। यह तस्वीर जिला मुख्यालय के रेड क्रॉस केंद्र में बनाए गए टीकाकरण कक्ष की है। आज तस्वीर में दिख रहे लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन कराया और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया, आप भी आगे आएँ और टीके लगवाएँ। वहीं बीते दिन बुधवार को जिलाधिकारी अमन सवीर, SP नीरज कुमार सिंह भी नवानगर प्रखंड तक लोगों को जागरूक करने गए। लौटने के दौरान इन लोगों ने नवानगर प्रखंड की सीमा से लगे पचदरवा पुल का निरीक्षण किया, जहां अवैध खनन से काव नदी में अवैध खनन से इस पुल के अस्तित्व के अगल बगल खतरा मंडरा रहा है।
जिलाधिकारी ने खनन विभाग के लोगों को निर्देश दिया 300 मीटर के दायरे में खनन नहीं होना चाहिए। इसी प्रखंड के वासुदेवा ओपी अंतर्गत कोयरी टोला में बुधवार को ही एक दुखद वाकया हो गया। वीरेंद्र महतो का पुत्र विशाल कुमार, जो अभी किशोर था, तालाब में नहाने के दौरान डूब गया। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह नचाप पंचायत के नचाप गांव के वार्ड संख्या 10-3 की तस्वीर है। इस गांव के शंकर कुशवाहा की शिकायत है, गलियां नाली में तब्दील हो गई हैं, कीचड़ से सन गई हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं दूसरी तरफ उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सागर ने आज गुरुवार को स्टेशन पर बनाए गए कोविड केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया, जो भी लोग ट्रेन से बाहर से यात्री आ रहे हैं, उनकी सघनता से जांच की जाए, कोई लापरवाही न हो। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का भी निरीक्षण किया। वहीं चलने से पहले आपको दो चीज़ें और बता दें, फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे, इसका प्रस्ताव 3 दिन पहले ही हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आया था। वहाँ से अनुमोदन के लिए वह आदेश राज्यपाल को गया, जहाँ से मंजूरी मिल गई है। अब परामर्शदात्री समिति सभी पंचायतों में बनेगी, वही विकास कार्यों का देखरेख करेगी। जब तक कोविड का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। इसलिए आप मज़े से खेतीबाड़ी कीजिए, धान की रोपनी कीजिए, पंचायत चुनाव को अभी 2-3 महीने के लिए भूल जाइए। अब चलने से पहले नज़र डाल लेते हैं कोविड के आंकड़ों पर। बुधवार को जिले में 2 लोग संक्रमित मिले, 21 लोग ठीक हुए। 118 जिले में एक्टिव मरीज की वर्तमान संख्या है। अब तक की हुई कुल जांच में 8,305 लोग संक्रमित मिले थे, शेष सभी लोग ठीक हो चुके हैं। 118 जैसा कि हमने बताया एक्टिव हैं। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।